أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا على صراط مستقيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على سريم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا أغلالاً فإذا هي فهم القاهرون صدق الله العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله آجائي مفتي صاحب آجائي آجائي تشریف لے آئیے تشریف لے آئیے السلام علیکم अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह कैसे मिजाज कैसे हैं आप बारहवां रमज़ान मुबारक हो 23 मार्च मुबारक हो आप अस्सलाम वालेकुम बारहवां रमज़ान और 23 मार्च दोनों अच्छा जी आज मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है बड़ा ख़ास दिन है बिकॉज 23 मार्च है एंड पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे है ये और मैं इसको बड़े शिद्दतों के साथ मनाता हूँ उसका रीज़न ये है कि यू नो ये मिट्टी है तो हम हैं ये मिट्टी नहीं है तो हम नहीं हैं इट्स एज सिंपल एज दैट तो आगे चल के बहुत सारी बातें होंगी आज हमारा जो उनवान था वो तहारत और पाकिजगी था लेकिन वो हम अगले उस पर लेके जाएंगे हम उनवान आज करेंगे हम कहाँ खड़े हैं आज हम कहाँ खड़े हैं आज इस पर बात होगी तो आज हम इसी पे बात करेंगे लेकिन आपा जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कितनी जल्दी रमज़ान गुजर रहे हैं ना दूसरा अशरा का भी दूसरा रोज़ा है आज बारहवा मतलब बारहवा रोज़ा है बारहवा रोज़ा है इट्स अनबिलीवेबल मतलब यूँ करके फ्लाई कर रहे हैं अच्छा एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ कोर्स आप हमें देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मेरे पास मेरे लोगों के पास बेतहाशा मैसेजेस हैं कि आप ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं इट मींस
इट स्पीक्स वॉल्यूम्स के आप वाकई ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं। मैं थ्रू आउट बोलता भी जाऊंगा। इल्तिमास मेरी आपसे इतनी है, अभी ये नंबर दे देंगे आपको, ज़रा नंबर लगा दीजिएगा इसका। इस नंबर पे आपने कॉल करनी है अपनी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए, और जब आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो जो भी फ़ोन उठाए उनसे कहेगा कि आपको इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना है। जो भी डेट्स अवेलेबल होंगी, अभी भी मेरे ख्याल है 10 डेट्स अवेलेबल हैं जिस पे आप आ सकते हैं, बाकी तो आप कॉल कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है कि टाइम पे आ जाएं, खुदा का वास्ता टाइम की पाबंदी कीजिएगा। 2 बजे ट्रांसमिशन शुरू होती है, लेटेस्ट आप 2 बजे तक पहुंच जाएं, क्योंकि 3 बजे तक ये सब हाउस पैक हो जाता है और फिर उसके बाद जगह नहीं होती, और फिर अगर कुछ लोगों को लौटना पड़ता है तो वी अपोलोजाइज बिकॉज वी हैव नो वे ऑफ कन्फर्मिंग कि जी कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो ये पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होता है, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू कम। बाकी हम बहुत खुश हैं, बहुत एहतराम के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत दिल के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल की गहराइयों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये ट्रांसमिशन देखी है, इसे पसंद किया है, थैंक यू सो वेरी मच। और मैंने जितनी बातें सुनी हैं वो उसमें जो ज़्यादा हिस्सा है वो मेरे उलमा का है, वो दोस्तों का है, वो उन लोगों का है जिन्होंने इस ट्रांसमिशन में इसको बेहतर बनाने में हमारी मदद की है। मेरा टेक्निकल स्टाफ, हमारे जो कॉन्टेंट के लोग हैं, जो स्विच पे हैं, जो बाकी लोग हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। रह गया मैं, तो मैं इसका वो हिस्सा हूँ जैसे कहते तो हैं कि जी मैं एंकर हूँ, लेकिन असल में एंकरेज जो होती है वो इन्हीं लोगों की होती है जिनकी वजह से ट्रांसमिशन बनती है। और आप लोग आ जाएं, वहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हैं, कब रोका है मैंने आप लोगों को, मैं तो कभी रोकता ही नहीं, किसी को भी नहीं रोकता। आइए तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, 23 मार्च मुबारक हो आपको, और 12वां रोज़ा मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आ जाइए। लेकिन साहिर मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि आपने ये कहा कि आप इन लोगों के बगैर कुछ नहीं, लेकिन दरहकीकत ये लोग आपके बगैर कुछ नहीं हैं। अच्छा। आपकी टीम इतनी अच्छी है आपके साथ, और आप भी इनके साथ इतने अच्छे हैं कि ये बिल्कुल एक फैमिली की तरह बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं हुजूर? अल्लाह का शुक्र। आज हमने लिखा है, आज हमने नबील ये मार्क कर लीजिएगा, आज मैंने वो जो मजमून है जिस पर हम टॉपिक है वो चेंज कर दिया है। आज हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि 23 मार्च है, तो मुझे लगता है कि हमको उसी पे बात करनी चाहिए। थोड़ा सा मेरा वॉल्यूम कम कीजिएगा, तो एको हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो हमको बात उस पे करनी चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। तो आपा आपसे शुरू करते हैं, बताइए जी कहाँ खड़े हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। माह रमज़ान मुबारक के 12वें रोज़े की मुबारकबाद देते हुए परवरदिगार आलम हम सब के लिए महीना बरकतों का, रहमतों का और मगफरतों का करार दे दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बाकी 14 मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, ये एक बहुत अहम सवाल है, इसलिए कि मैं और आप इस अर्ज़ ममलकत पाकिस्तान को हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने बुज़ुर्गों से, अपने वालदैन से जो कुछ सुना, इसका मतलब ये है कि जो ट्रेन्स दाखिल हो रही थी वो ट्रेन्स ऐसी थी कि उसके अंदर कटी फटी लाशें पड़ी हुई थी, और एक जद्दोजहद का टाइम गुजारा है हमारे वालदैन ने। मुझे याद है कि मेरे वालिद हमेशा कहा करते थे कि जितना बड़ा इस घर का पूरा घर है, इतना बड़ा वहाँ इंडिया में हमारे घर का किचन हुआ करता था। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने इतनी मेहनत के साथ, इतनी जद्दोजहद के साथ, सिर्फ एक अर्ज़ ममलिकत वतन पाकिस्तान के लिए कि हम लोग आज़ादी की ज़िंदगी गुजारें, और आज़ादी की ज़िंदगी गुजार कर यहाँ पर चैन सुकून की ज़िंदगी गुजार सके, और उसके अलावा उन्होंने इतनी मेहनत की, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो हम लोगों को चाहिए कि हम इस वतन पाकिस्तान की हिफाजत करें। अच्छा, मैं देखती हूँ कि आम शहरी जो है, जैसे मैं आम शहरी हूँ और हम लोग सब के सब इस वतन पाकिस्तान की हिफाजत ही करते हैं, लेकिन ये कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस वतन पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के नहीं, मुझे लगता है आपा हम सब अपना अपना हिस्सा डालते हैं नुकसान पहुँचाने में, और मैं माजरा चाहता हूँ, हम सब कुंडे हम डालते हैं। मैंने इंतहाई माजरत के साथ और इंतहाई अदब के साथ जिन लोगों में मैं कभी सोच नहीं सकता था कि इख्तलाफ होगा, मैंने उनमें इख्तलाफ करते हुए देखा। अगर मैं उनकी सुलह करवा रहा हूं तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज है, फिर हमारा खुदा ही हाफिज है। चलिए, मैं तो वो जो नात का शेर है, मुजरिम हूं जहां भर का महशर में भरम रखना, और रुसवाए जमाना हूं कमली में छुपा लेना, ऐ पर्दा नशीन दिल के पर्दे में रहा करना। तो मैं तो अच्छा, झूमने से कुछ नहीं होता ना, नहीं आपके लिए भी बोल रहा हूं, ये खुल के बात कीजिए, सच बोलिए, सच सुनिए। अब हमें मानना पड़ेगा कि हम मिले जुले से लोग हैं,
थोड़े अच्छे हैं, थोड़े बुरे हैं, थोड़े सही हैं, थोड़े गलत हैं, कभी लाइन बना लेते हैं, कभी नहीं बनाते, हद से ज़्यादा जज्बाती हैं, लम्हों के सौदागर हैं, लम्हों में जो मिट्टी का सौदा बेचता है उसके हो जाते हैं, कभी शख्सियत के पीछे भागते हैं, कभी नारों के पीछे भागते हैं। हमारे लिए कैटेगराइज्ड हैं हम, 23 मार्च को भरपूर पाकिस्तानी होते हैं, रमज़ान में भरपूर मुसलमान होते हैं, 14 अगस्त को फिर पाकिस्तानियत जाग जाती है, और न्यू ईयर इस शान से मनाते हैं जैसे हमसे पहले किसी ने ये न्यू ईयर ईजाद भी नहीं किया होगा। तो हम तो ऐसे लोग हैं, या तो हम ये डिसाइड कर लें कि हम कौन हैं। अगर जिस रोज़ हमने, चाहे हम कैसे भी हैं, जिस रोज़ हमने ये मान लिया कि हम ऐसे हैं, उस रोज़ हम तरक्की करना शुरू हो जाएंगे। बेशक बेशक, हम कभी अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देते, कभी अपने लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देते। बहुत खूब, आपके लिए मैं गलत, मेरे लिए आप गलत। मैं जब यहाँ आया आज से 17 साल, 17.5 साल पहले, तो मुझे नहीं पता चला क्यों लोगों ने मेरे बारे में बात करना शुरू कर दी। मैं ना आपके अच्छे में और बुरे में तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, मैं आपके लिए हमेशा, मेरी एक तबीयत है कि मैं बोलता नहीं हूँ बहुत ज़्यादा लोगों, जिन्हें मैं जानता हूँ मैं उनसे बात करता हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानता उनसे, और अपनी तनकीद का जवाब भी नहीं देता। लेकिन मुझे अफसोस किस बात का हुआ कि आपने अपनी कमियों की वजह से, अपने कॉम्प्लेक्सेस की वजह से मुझे और मुझ समेत बहुत सारे लोगों को लेबल करना शुरू किया, और आप रुके नहीं इस पे। मैं तो इंतहाई ढीठ आदमी हूँ, मैं मरूंगा मैं तभी जाऊँगा, आप मुझे निकाल ही नहीं सकते, मेरा बिलीफ आप पे है ही नहीं। आप मुझे अच्छा समझें तो शुक्रिया, बुरा समझें तो शुक्रिया, मेरी बहस इस बात पे है ही नहीं, मेरी तो हुज्जतें ख़त्म हो गई। मैं सिर्फ ये जानता हूँ एक दिन मैं मर जाऊँगा और मैं अपने खुदा के हुजूर पहुँचूँगा, जब मैं उस तरफ जाऊँगा, उसकी बारगाह में पहुँचूँगा, तो मेरा सर झुका ना, वैसे तो अदब से झुकेगा लेकिन गुनाहों के बोझ तले ना झुक जाए, तो मुझे तो उसकी फिक्र है भाई अल्लाह। लेकिन बहरहाल हम डिबेट को खोल रहे हैं, अज़रा दिल की बातें करते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, और शाम में भी इसी तरह की ज़रा दिल की बातें करेंगे और थ्रू आउट करेंगे। तो मुफ्ती साहब, यहाँ तो बयान हो गया, आप बता दीजिए। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد ما هو اهله صلى الله عليه واله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا। हम कहां खड़े हैं, इस बात का एहसास शायद मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए भी है कि मैं उन लोगों में से एक हूं जो दरियाए तवी के बिल्कुल किनारे रहते। क्या बात है, दरियाए तवी क्या है बहुत कम लोग जानते हैं। लोग करारदार पाकिस्तान को भी जानते होंगे, 47 को भी जानते होंगे, 65 को भी जानते होंगे, मगर दरियाए तवी को कोई नहीं जानता। दरियाए तवी वो है कि सियालकोट के बिल्कुल बॉर्डर पे है ये, मैं कभी कभी वहाँ जाता भी हूँ। वहाँ उन तमाम लोगों को जमा किया गया जो पाकिस्तान आना चाह रहे थे, पाकिस्तान की आवाज़ बने, पाकिस्तान का हिस्सा बने। इनकी तादाद 7.5 लाख थी, 7.5 हज़ार में 7.5 लाख लोगों को जमा करके वहाँ इस बहाने के यहाँ से जम्मू सिटी से आपको सियालकोट और लाहौर में दाखिल किया जाएगा। 7.5 लाख लोगों को बंद ट्रेनों के अंदर काटा पीटा गया। मौला अबुल कलाम आज़ाद ने भी लिखा, इस पर बहुत सारे मौर्रखीन ने लिखा, काबिरीन ने लिखा कि 6 महीने से ज़ायद का वक़्त दरियाए तवी का पानी सुर्ख रहा। ग्रीन मुबज़रा अलैन में अबू धाबी के एक बहुत बड़ा पार्क है, आप जानते होंगे, मैं उस पार्क में बैठा हुआ था। 14 अगस्त का दिन था, दोस्तों ने कहा जी पाकिस्तान को सेलिब्रेट करने के लिए एक जगह जमा होता है, तो हमने दुबई से, शारजा से, उम्मुल कवैन से, रैसुल खैमा से, उजमान से तमाम साथियों को जमा किया। हमारे तकरीबन 200-250 साथी जमा हुए। एक बहुत मुख्तसर सी बात, जब नमाज का वक्त हुआ तो मेरी ड्यूटी, चूँकि मैं कोशिश करता हूँ जहाँ भी दोस्त बैठे हों तो खिदमत पर ड्यूटी लगे, मैं खिदमत पर लगा हुआ था केशिके बनाने पे, तो एक बूढ़ी अम्मा ने मुझे इशारा किया। हमने वहाँ केक काटना था तो केक के पीछे हमने पाकिस्तानी परचम लगाया। उस अम्मा ने जब मुझे इशारा किया तो मैं उसके करीब चला गया, बिल्कुल बूढ़ी अम्मा ज़ाइफ। उसने कहा बेटा पाकिस्तानी लगते हो? मैंने कहा जी अम्मा पाकिस्तानी है। ये क्या लगा रखा है तुमने? मैंने कहा अम्मा जी आज 14 अगस्त है और हम अपने मुल्क को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम आज 14 अगस्त मना रहे हैं, योम आज़ादी मना रहे हैं।
उस बूढ़ी माँ के झुर्रियों वाले चेहरे से जो आंसू निकले वो भूले नहीं। फरमाया, अच्छा बेटा जब पाकिस्तान जाओ ना तो पाकिस्तान को मेरा सलाम कहना। बचपन से ज़ोक था, शौक़ था, मगर जब मेरे माँ बाप जाने लगे तो मेरे माँ बाप को रास्ते में शहीद कर दिए गए और मैं अकेली रह गई। मेरी उम्र उस वक़्त 7 साल थी। अब मैं इस उम्र को पहुँच चुकी हूँ, मेरे पेट से हिंदू बच्चों ने जन्म लिया। ये वन व्हीलिंग करने वाले, ये न्यू एयर नाइट बनाने वाले, क्या जाने पाकिस्तान कैसे बना। सही बात। मुझे ब्रेक लेनी है। वन व्हीलिंग के तो मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ, नया साल आप मनाते रहिए, लेकिन एक बात ज़रूर है, पाकिस्तान को मत भूलें। ब्रेक। तजदारे हरम हो निगाहे करम, तजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दे भी सवर जाएंगे, तजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दे भी सवर जाएंगे।
कौसर से पीने चले याद रखो अगर उठ गई वो नजर याद रखो अगर उठ गई वो नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना शहरयार दाऊद साहब, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, बस आप खुद ही कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबी व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिही व सहबी या हबीबल्लाह। मुफ्ती साहब ने क़िबला बात ऐसी कर दी है कि सच्ची बात है कि दिल इंतहा रंजीदा हो गया। अच्छा, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ श्रीनगर मकबूजा कश्मीर से। ओके। हम कश्मीरी हैं और एक आज़ाद कश्मीर है हमारा, एक हिस्सा जो पाकिस्तान को दे दिया गया, बहर डिस्प्यूटेड इलाका कहलाता है। हम जब हमारे पेरेंट्स, मेरे वालदैन जो छोटे थे उस वक़्त, दादा दादी के साथ, नाना नानी, ये लोग जब माइग्रेशन करके आए तो मेरे दादा के चार बेटे थे, मेरे वालिद और दो चचा और एक बड़े ताया। हमारा एक बहुत बड़ा मदरसा था, शेखुल हदीस थे मेरे दादा रहमतुल्लाह अलैह। वो मक्के मदीने की याद में आओ मदीने चले जब कर रहे थे तो मुझे दादा अपने याद आ गए कि वो, उनको उर्दू नहीं आती थी, वो कश्मीरी लैंग्वेज बोलते थे, तो वो पठानों और अरबियों जैसी इनको टाइप ऐसा वो बोलते थे कि वो मैं बस मदीने जाऊं दुआ करो। रो रो के उनकी आंखें सफ़ेद हो गई थी क्योंकि उनका मदरसा था, दुकान नहीं थी। क्या बात है, बड़ा जुमला ये, बड़ा जुमला है। मदरसा है, मदरसा था, मदरसा था, दुकान नहीं थी, बड़ा जुमला, वाह वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और वो पढ़ाते थे बच्चों को, काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह सुनाया करते थे, हदीस मनाते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने नहीं जा सके वो जिंदगी भर। और 1966 में उनका लाहौर में इंतकाल हो गया, मियानी साहब कब्रिस्तान में आप मदफून है। मैं जाता हूँ, मैंने उनको नहीं देखा। मेरी पैदाइश 69 में हुई है, मेरी पैदाइश से 3-3.5 साल पहले उनकी वफात हो चुकी थी। उनके लाहौर में अभी भी मुरीदीन यानी शागिर्दों की औलादें अभी भी मेरे दादा को, एक तो जो दुख था वो ये था कि मेरा चारों बेटों में से कोई भी आलिम दीन नहीं बन सका। वजह क्या हुई, तहरीक पाकिस्तान। उन्होंने कहा बेटा ये इस वक्त पाकिस्तान बनाना है, यही सबसे बड़ा इल्म है, यही सबसे बड़ा जिहाद है, यही सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट यही है। तो मेरे वालिद साहब अल्लाह बख्शे रहमतुल्लाह अलैह यही फरमाया करते थे कि यार असी जेड़ा कुछ वेख के आए हैं ना, हाजी, मुझे प्यार से हाजी कहते थे, कहते मैंने अपने 12 साल की उम्र थी जब पाकिस्तान बना है, मैंने अपनी आंखों से वो सीन, कहते अब्बा मेरे बात करते करते रो जाते थे कि इस किस तरह इन्होंने बच्चों को उछाला और नेजों में परोया है, वो अब्बा ने देखा हुआ सीन। तो अब्बा हमें बताते थे तो हम रंजीदा हो जाया करते थे। फिर अब्बा कहते थे यार ये अल्लाह ने हमको दिया, हम बस ये एक धुन थी यार, हमें हमारा अर्ज मुकद्दस हमें चाहिए, क्योंकि हमारा वालिद यानी मेरा दादा मेरे वालिद को पढ़ा करता था, कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदू मा ताबुदून। दो कौमी नज़रिया कुरान में यही है भाई, मैं उनको नहीं पूछता जिनको तुम पूछते हो, मैं एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करता हूँ। बहरहाल पाकिस्तान जो बना और अब हम जहाँ खड़े हैं, आप कहते हैं बोलें बोलें ना, कोई नहीं बोल सकते। नहीं नहीं देखें हम, अच्छा, मैं जो बोलना चाहता हूँ ना, मैं अगर अपनी नौजवान नस्ल को एड्रेस करना चाहता हूँ तो मुझे दुख इस बात का होता है कि मेरी नौजवान नस्ल आज शायद मुझ जैसों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है, देखें मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि जब हम बैलेंस नहीं होते ना, क्योंकि देखिए हमारा नौजवान अब बहुत ज़्यादा अवेयर है, ऐसा नहीं हो सकता, हमको बैलेंस बात करनी पड़ेगी। अब हमको उनको तारीख के तमाम औराक दिखा, अभी आप जो बात कर रहे थे, वापस आते हैं तो हम डिस्कशन करते हैं, इसको खोल के आज डिस्कशन करेंगे, कोई पाबंदी नहीं है, बात कीजिए। मुझे सिर्फ ये है कि हम ना सच बोलें और सच सुने, और एक रीज़न नहीं होता, बहुत सारे रीज़न होते हैं। जब वापस आते हैं तो हम बात करते हैं, इट्स अ डिबेट। आज हम बात करेंगे, अगेन मैं कह रहा हूँ कि मेरी कोशिश यह है कि हम आपकी टेलीफोन कॉल्स ले सकें, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर मैं इस तरह से आपसे बात करूँगा, आपकी भी राय लूँगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत दिल से पढ़ा आपने, बहुत खूबसूरत पढ़ा है, क्या बात है क्या बात है। सात शजरों दो, लेकिन थोड़ा सा वो देख लीजिए प्रोनंसिएशन जो है वो थोड़ा सा देख लीजिए, लेकिन कमाल पढ़ा है आपने, कमाल पढ़ा है। अच्छा, और बचपन में मैं एक नात पढ़ा करता था सिद्दीक इस्माइल साहब की, मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा। अच्छा, ज़िंदगी में एक शेर था उस नात का, किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। ये ज़िंदगी मुझे कभी समझ नहीं आया था, मैं आपको सच बताऊं, मुझे ये बहुत बाद में समझ आई बात कि वो हाथ अगर सहारा आपको दे दे, अस्सलाम वालेकुम, वो हाथ अगर सहारा दे दे तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बेशक है ही नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, आपस की बात है, मैं कोई बहुत ज़्यादा ज़हीन आदमी नहीं हूँ, बल्कि अक्सर औकात तो मुझे पता ही नहीं है कि दुनिया में होता क्या है। मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, अगर ये मुझसे कहें ना कि बाहर इस वक्त 4 बजे सुबह के, तो मैं यकीन कर लूँगा। मुझे रीज़न समझ में नहीं आता कि लोग झूठ क्यों बोलेंगे, और मैंने ज़िंदगी में बेतहाशा नुकसान उठाए हैं इसकी वजह से। फिर एहसास होता है कभी कभी जब मैं झुंझला जाता हूँ कि मुझे मैं ऐसा क्यों हूँ, तो फिर एहसास होता है लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे कभी भी मोहताज तो रखा ही नहीं। क्या बात, सुभान अल्लाह। मैंने उसी की मानी, उसी की सुनी, उसी की। मुझे लोगों को ये थोड़ी बताना है कि मैं कौन हूँ, मेरा रब जानता है और मैं जानता हूँ, मेरा रब मुझको मुझसे बेहतर जानता है, बेशक। तो अभी जब आपने वो नात पढ़ी है तो मुझे, मैं और था कहीं, मुझे लगा कि बस वो चला हूँ एक मुजरिम की तरह, मैं जाने बेहतर था। उफ, नजर शर्मिंदा शर्मिंदा, बदन लरजीदा लरजीदा, बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है, मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा ना दीदा। सुभान अल्लाह। सर आप कुछ कह रहे थे, बताइए। सर मैं ये कह रहा था कि हमारी जो यूथ है ना, नौजवान नसल, खुदा की कसम बड़ा पोटेंशियल है, बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा ताकत है, मैं बड़ा कुछ कर सकते हैं, बस किस्मती से कुछ नेगेटिविटी की तरफ चले गए। उसके अंदर सबका हिस्सा है, हाँ जी, सबका हिस्सा, हमारा भी हिस्सा है। जब हमने मोहब्बत नहीं देनी और जब हमने हमारा रवैया जब ओए तैनू की पता, चुप कर, हमको पता है सब, ये रवैये गलत है। आज का आपने बताया नौजवान बड़ा अवेयर है, वो कहता है मौलवी साहब आज से मैं तेरे हथे चढ़ गए हैं, कल मैं आवांगे तो फिर गल करांगे, वो आता ही नहीं फिर दोबारा। नंबर वन, सही बात है। नंबर टू ये कि हमारी नौजवान नस्ल को बदकिस्मती से कुछ अब ऐसे लोग मैसर आ गए हैं जो उनको उनकी मर्जी का दीन कहते हैं। हाँ हाँ, कुछ नहीं होता यार, मौलवियों ने तंग किया हुआ है, सख्त किया हुआ है, आसान है दीन, क्या है नसा के ले आयो, कोई बात नहीं, चलता है, हो जाता है निकाह, बुरा नहीं है, सब करने दो। वो मौलवी अच्छा है जो हमें हमारे हर चीज फतवा हमारे दिल के मुताबिक दे, और जिसने की सख्ती जरा सही दीन बताया, चल यार सलमान दूसरे के पास चलते, इसको तो पता ही नहीं कुछ है। ये है हमें एड्रेस, आपने कहा बात करो, मैं कर रहा हूँ, खरी खरी बिल्कुल, ये हकीकत मैं बता रहा हूँ, मैं अवाम में हूँ। हाँ हाँ, मेरे पास मोबाइल देखें आप, भरा हुआ है ख्वातीन का, मर्दों का, परेशानियों का। बड़े शौक से आपने वालदैन को नाराज करके शादी तो कर ली है, वक्ती खुशी तो मिल गई है, दायमी खुशी कैसे मिलेगी। अल्लाह यार, माँ बाप का दिल तोड़ा है कोई, एक माँ बाप का दिल करता है कि हमारा ठीक है। आजकल के माँ बाप को भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन नौजवान नस्ल ये कहती है, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा, लेकिन एक मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कहती है जी मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, मैं अपने अम्मी अब्बा के पास आया, वो कह रही ये तो तुम्हारी नस्ल से नहीं है, ये गलत, तुम्हारे हसब नसब की नहीं है, अब यहाँ पर वालदैन का ये तो तुम्हारे खानदान से नहीं है, ये पता नहीं, ये तो सो मच सो कि ये उर्दू स्पीकिंग है, वो पंजाबी स्पीकिंग है, वो तुम पठानों में शादी करोगे, तुम पंजाबियों में शादी करोगे, तुम माजरों में शादी करो, दिमाग सही है आप लोगों का। तो वो जो पागल होता है ना नौजवान, वो कहता भाई मैंने मोहब्बत करके कौन सा गुनाह कर लिया, या तो मुझे पढ़ाया ना होता, मुझे बाहर ना भेजा होता, मुझे ये ना कहा होता कि मैं मोहब्बत कर लूँ, तोते की तरह से मुझे सबक रटवा दिए, ड्रामे मैंने देखे तो उसमें मोहब्बत, शायरी मैंने पढ़ी तो उसमें मोहब्बत,
दर्श आपने उठते बैठते मोहब्बत का दिया, तुम हंस रहे हो, तुम्हारे साथ जिंदगी में ऐसी कोई वारदात हुई है क्या? कोई बात नहीं बेटा, ये अक्सर लोगों का कहने की बात क्या, मैं वकालत नहीं कर रहा नौजवानों की, लेकिन ये जेन्युइन मसले हैं। हाँ, मैं अब इसका तो अब माँ बाप को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सारी चीजें उनको अनलर्न करके फेंकें। अगर हम मुसलमान हैं तो भाई फिर क्या चीज है, कौन सा रंगो नस्ल? रंग नस्ल खत्म करने तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही, आप मुसलमान हैं ये काफी है। ऐसा ही बात, वाह वाह जी, ऐसा ही। तो अब जो वालिदैन है ना, वालिदैन जी जी, वालिदैन का भी ये फर्ज बनता है। पहली तो बात ये है कि हमारे यहाँ जो हमारा, मैं चूंकि मजहबी तबके को बिलोंग करता हूँ, उनको रिप्रेजेंट करता हूँ, हमारा मैं इसराइल से नहीं मिंबर मुसलमान हूँ, मिंबर अल्लाह जानता है, मैं आप यकीन माने, मैं खुद मैं मिंबर की बात कर रहा हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मिंबर रोजा आप भी रखते हैं, मैं भी रखता हूँ नमाज रोजा, हम दोनों कर रहे हैं मिंबर। और बात है कि आप पहुंचे हुए हैं उधर, एलिवेटेड है, मैं इतना नहीं, सॉरी, मिंबर है ना मिंबर। अब जरूरत इस बात की है कि मेहराब मिंबर से वो बात की जाए जिससे पॉजिटिविटी आए। बिल्कुल सर, नंबर वन, बिल्कुल। और उलमा को, खतीब हजरात को, जो लोग बैठे हुए हैं, मैं मिसाल देता हूँ, आज के दिन मैंने बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मौजू पर आज बयान किया, और जितने लोग बैठे थे उनसे यही अर्ज किया, जहन बनाने की कोशिश की कि कैसे दो मियाँ बीबी थे कि जो एक दूसरे पर जान निछावर करते थे, कि तीन दिन फाका था, अमी आयशा फरमाती हैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम गोश्त लेकर आए और फरमाया आज पकाओ गोश्त, उसमें शोरबा ज़्यादा करना, क्यों? खदीजा की सहेलियाँ आई हैं किसी दूसरे शहर या मुल्क से, मैं चाहता हूँ कि उनकी दावत करके उन तक हदिया भेजूँ ताकि खदीजा की भी उनको खुशी हो। तो ये जो मर्द हजरात भरे खड़े होकर घर में कहते हैं बच्चों के सामने चुप कर जा, चमार मारूंगा या तीन जुमले बोल के फारिग कर दूंगा, क्या ये सुनने के लिए बीवियां आई हुई? अच्छा, मैं आपको बताऊं, दुनिया बदल रही है, अब ये जुमले भी खत्म हो रहे हैं, हो रहे हैं, और आहिस्ता 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 ये जुमले दोनों तरफ से पॉजिटिविटी आनी चाहिए। इसलिए कि अगर ये जुमले खत्म हो रहे होते तो मेरे और मौलाना साहब के पास इतने मैसेज ना आते, इतनी ब्रोकन फैमिलीज की तादाद बढ़ गई है और इतने ज्यादा ये मसाइल बढ़ गए कि जिसकी नजर। लेकिन आप वो एक अलग बहस है, तो आप क्या समझती है कि जो ब्रोकन फैमिलीज है क्या इसमें सिर्फ मर्द कसूरवार होता है? नहीं, औरत भी कसूरवार। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। अच्छा, तशद्दुद इमोशनल हो या फिजिकल हो, ये टॉर्चर गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, मुझे तो खैर मैं इतना इल्म नहीं रखता जितना आप लोगों का इल्म है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर जानता हूँ, ओ भाई 60 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल जी लोगे, उसके बाद तुम भी चले जाओगे। कितने साल एक दूसरे के साथ रहे हो? 10 20 15 साल 30 साल 40 साल ये साथ है तुम्हारा। ये बात मेरी याद रखिएगा, जो चीज़ हमें मैसर होती है ना, हम उसकी रिस्पेक्ट कदर नहीं करते। जब चले जाते हैं तो बाल खोल के सोग मनाते हैं। क्या बात, बहुत बड़ी बात। और वैसे जब जिंदा होता है रोटी नहीं पूछ रहे होते उसे। सही कह रही बोल, रोटी नहीं पूछते उसको, तुमने क्या किया मेरे लिए, और वो दूसरे को जाके कहानियाँ सुना रहा था, मेरी बीवी वो तो बस यार शादी हो गई, मोहब्बत पता नहीं कहाँ चली गई। दोनों तरफ है, जी जी दोनों तरफ, किसी एक तरफ नहीं है। इस चीज को खत्म होना, इंसाफ की बात, इंसाफ की बात हो जाहिर है जी। पहले तो साहिर भाई 23 मार्च है, आप सबको और पूरी टीम को और पूरे आलम इस्लाम को और स्पेशली पाकिस्तानियों को बहुत मुबारक हो। दूसरी चीज़ यह है कि आपने, आपका मौजू बहुत बेहतरीन है, और मैं अभी कह रही थी कि शहरयार भाई इस पर सबसे अच्छा बात कर सकेंगे, मैं तो तालिबे इल्म हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि आपने कहा मौजू कि हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन एक्चुअली अगर हम गौर से देखें ना, बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान और स्पेशली पाकिस्तानी, हम कहीं भी नहीं खड़े। जहाँ खड़े हैं ना, वहाँ की रोडें सारी टूटी हुई हैं, टूट फूट का शिकार हैं। जो हमारे हालात हैं, जो हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई है, हम अगर अच्छे अपने पहचान लेते ना अपने आप को, बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, अगर हम अपनी वैल्यूज़ को पहचान लेते ना, तो आज हम वहाँ खड़े होते कि हमारा मुल्क भी, हम लोग सर उठाकर कहते कि हमारा मुल्क भी तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप डिसाइड तो कीजिए, वैल्यूज़ हैं क्या, यही तो समझ में नहीं आता। अभी तो हम आधे तीतर आधे बटेर हैं, अपने आप को नहीं पहचान रहे ना साहिब भाई, नहीं पता ना, हम अपने आप को ही नहीं पहचान रहे। अपने आप को नहीं पहचान रहे तो हम कैसे इज्तमाई तौर पर अपने मुल्क को जो है वो स्टैंड करेंगे, वहाँ हम कहाँ स्टैंड करते हैं। एक चीज मैं साहिर, मैं पता कलामी की माफ़ी मौलाना साहब आपको बोलना चाहिए, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहती हूँ कि हमने अपने बच्चों को बताया ही नहीं शायद,
और वो क्योंकि मीडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। मैं इस दफ़ा 14 अगस्त को बहरिया गई एक जगह मजलिस पढ़ने के लिए, वहाँ से वापसी पे मुझे ट्रैफिक जैम मिला। अब मैंने कहा कि ये लोग आखिर क्यों नाच रहे हैं, इसलिए कि सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली घर में आ नहीं रही है, गैस आ नहीं रही है, आखिर किस चीज़ की खुशी मना रहे हैं। तो मैं कौमी नगमे की मुखालफत नहीं करती हूँ, लेकिन अल्लाह के वास्ते इसका जवाब मैं दे सकता हूं। अल्लाह के वास्ते जैसे मुफ्ती साहब ने बताया कि 7.5 लाख लाशें, मैं भी नहीं नहीं वो तो है उससे कोई, लेकिन मैं इसका जवाब दे सकता हूं। खुशी किस चीज़ की है, मैं इसका जवाब दे सकता हूं। मैं भी एक दफ़ा फंस गया था, 5 घंटे के बाद मैं घर पहुंचा हूं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये वो वाहिद ट्रैफिक जाम था जो मुझे बुरा नहीं लगा। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं दुनिया के किसी मुल्क में चला जाऊं, मैं बराबर का शहरी नहीं माना जाता। ये जैसा भी है, क्या बात है, ये जैसा भी है, एक ही खुशी तो है, बहुत ये मेरा है। गुड। और सलीम कौसर ने कहा था, तुम्हें उन मौसमों की क्या खबर मिलती अगर हम भी घुटन के खौफ से आबो हवा तब्दील कर ले। मैं मट्टी में सो जाऊंगा, बात करना नहीं छोड़ूंगा। मुझे अगर 10,000 मरतबा जिंदगी दोबारा अल्लाह मियां दे, मैं फिर भी पाकिस्तानी क्या बात, इस मुल्क के अलावा मेरी कोई शनाख्त नहीं। अल्लाह बहुत ब्रेक जी, ब्रेक लीजिए। मदनीरा
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है रबाब, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी। तो डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर साहब हम आज कहाँ खड़े हैं? आज 23 मार्च है, सबसे अच्छा। पहले तो आपको मुबारक हो, सबको मुबारक हो। और जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे 22 मार्च को पेश किया गया था, 23 को वो हुआ था, लेकिन रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान 22 को पेश किया गया जी। सबसे पहले तो साहिर भाई, पाकिस्तान बना क्यों था? इसलिए कि हम जिस टेरिटरी में रह रहे थे वहाँ पर अंग्रेज़ों से पहले मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसलमान डोमिनेंस फैक्टर के तौर पर यहाँ पर रहते थे, और माशाल्लाह हुकूमत मुसलमानों के हाथ में थी, जम्मा में हुकूमत मुसलमानों के हाथ में थी। लेकिन अंग्रेज़ आ गया और उसके बाद आप ये देखें जितनी भी तहारीक चली हैं वो सारी मुसलमानों ने चलाई, ठीक है ना। एक रेशमी रुमाल जो तहरीक मवालात चली, उसके अलावा जितनी भी चली वो सब मुसलमानों ने चलाई। तो मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता महसूस कर रहे थे कि हमें एक ऐसा अर्ज़ वतन चाहिए जिसमें हम, जिसको हम रियासत मदीना के फार्मूले के तहत उसे मुतशक्कल करें और इस्लाम की, इस्लाम का जो निज़ाम है उसको प्रैक्टिस किया जाए। लेकिन अगर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अगर उस वक्त की अगर हालत देखें, पाकिस्तान ना बनता तो एक आर्गुमेंट ये भी था कि इस इलाके से और वहाँ से मिल मिला के पाकिस्तान को, मुसलमानों को इतने वोट मिलते कि अगर डेमोक्रेसी आ भी जाती तो मुसलमान जो है वो कम अज़ कम हम पल्ला ज़रूर रहते, ठीक है ना। एक तासुर ये भी था। दूसरा तासुर ये था कि अगर पाकिस्तान बनता है तो एक कसीर आबादी को अपना वतन, अपना घर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर दूसरे इलाके में जाना पड़ेगा। ये सारे फैक्टर थे। उसके बावजूद आप ये देखें कायद आज़म अली रहमा और फिर बनारस सुन्नी कन्वेंशन के अंदर बाकायदा कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा करारदाद मूव हुई कि हमें पाकिस्तान बना कर रहना है, हिंदुस्तान को बट कर रहना है, पाकिस्तान को बन कर रहना है। ये सारे के सारे जो है वो एक अज़्म समीम के साथ मुसलमान उठे। लेकिन उसका बुनियादी जो थीम ये था कि ऐसा अलहदा मुल्क जिसमें हम इस्लामी निज़ाम को या निज़ाम मुस्तफ़ा को प्रैक्टिस कर सकें। चौधरी रहमतुल्लाही ने इसका नाम पाकिस्तान तजवीज़ किया। अब लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाक का मतलब है तैयब, पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक। तो पाक का तर्जमा अगर अरबी में करें तो बनता तैयब या तैयबा। और इस्तान बोलते हैं शहर को, इलाके को, और इस्तान को अरबी में अगर हम कन्वर्ट करें तो उसका मतलब बनता मदीना। तो पाकिस्तान का मतलब है मदीना तैयबा, ठीक है ना। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, पाकिस्तान का मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह है। मतलब तो मदीना तैयबा है, मकसद ला इलाहा है। तो हम जो है उसको इंटरप्रिटेशन करते हुए नारा लग गया, ठीक है, कोई मुजायका नहीं। मदीना तैयबा का भी मकसद जो है ला इलाहा इल्लल्लाह था, पाकिस्तान का मतलब भी ला इलाहा है, मकसद भी ला इलाहा इल्लल्लाह था। लिहाजा ये बना। बनने के बाद ज़ाहिर है कि हम तो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, हमें हमारे फादर्स वगैरह जितने भी है वो जैसे माइग्रेट करके आए, कैसे आलम में आए, कैंपों में ज़िंदगियाँ गुजारी, फिर उनको क्लेम डाले, वो क्लेम नहीं मिले, और फिर यहाँ पर पाकिस्तान बनने के साथ ही आहिस्ता 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 लोगों ने अबुल कलाम को सुनाना शुरू कर दिया कि तुम वहाँ पर जाओगे, ये होगा वो होगा, और सब कुछ हुआ, ठीक है ना। वो ज़मीनें जो हमें मिलनी थी नहीं मिली, उसके बावजूद हमने सब्र किया कि हमने मदीना तैयबा की हिजरत, तो कायनात की सबसे बड़ी हिजरत थी, इसलिए कि कायनात की सबसे बड़ी हस्ती हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, लिहाजा वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों लिहाज से बड़ी थी। लेकिन अददी तादाद अगर हम देखें तो ये जो हिजरत है ये सबसे बड़ी हिजरत है, लेकिन चूंकि वहाँ रसूल ने की थी इसलिए बड़ी वही है। हम छोटे हैं लिहाजा ये हजरत आदत के बावजूद भी छोटी थी। हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर बसे, बूदोबाश यहाँ की अपनाई, सब कुछ किया, लेकिन आप ये देखें कि आज हम कहाँ खड़े हैं। ये बड़ा दुख भरा सवाल है। ये आप यकीन कीजिए
कि वो अरब के बद्दू थे, उन्होंने जब वो बहलाव अपनाए थे ना जो रसूल खुदा ने दिए, तो देखते ही देखते कैसर और किसरा के जो महल्लात थे मुसलमानों की कदमों से उस बाजगश से लरस जाया करते थे। आप ये देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में साहब कैसर ने कहा कि जनाब हम हमला करेंगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप क्या हमला करोगे, हम करेंगे, निकल खड़े दीवाने 30,000 का लश्कर लेकर तबूक में, और मुसलमान क्या कर रहे थे, मिसवाक कर रहे थे। तो वो जो जितने भी उस वक्त के वो वॉर जो तजिया करने वाले या जितने भी जर्नलिस्ट थे या जो भी थे एनालिस्ट, ठीक है ना, वो ये कहते थे कि भाई ये आप क्यों बार बार ये मिसवाक करते हैं। उन्होंने कहा हम दांत तेज कर रहे हैं, हम जो है अपने दुश्मनों का खून पीते हैं, हम अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो वो सारी बातें जब वहां पर पहुंची तो कैसर जो है मुकाबले पर नहीं आया। ये था मुसलमानों का हौसला, ये था मुसलमानों का जज्बा। तो इसी जज्बे के तहत जो है पाकिस्तान बना। लेकिन पाकिस्तान के अंदर खैर हमारी अपना रोना तो अपनी जगह पर है, हमने उसको फरामोश कर दिया। हम पाकिस्तान में पैदा हुए, लेकिन मैं अभी कभी कभी अपने आप से सवाल करता हूँ, जिस मकसद के तहत पाकिस्तान बना था क्या वो मकसद हमने हासिल कर लिया? डॉक्टर साहब बात ये है, वो तो दुरुस्त आप कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल नहीं हासिल किया एंड ऑल दैट, लेकिन हमने कायदे आजम को भी कहाँ माना? नहीं माना सर, हम तो नहीं कायदे आजम को माना है, नहीं कायदे आजम की नहीं मानी है जी, कायदे आजम को जाना नहीं ना, मुख्तार मसूद का मैं अक्सर हवाला देता हूँ आवाज़ दोस्त में, मुख्तार मसूद लिखते हैं कि अजीब शख्स था वो, गैरों ने जाना मगर मान कर नहीं दिया, अपनों ने माना मगर जान कर नहीं दिया। तो बेसिक बात ये थी, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का जो पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली से खिताब है वो काफ़ी हमारे लिए, बिल्कुल, लेकिन क्या हमने तो उसमें से वो तहरीरें हजफ करवा दी थी? तो हमने तो ये तो अल्लाह भला करे बाद में आने वाले लोगों का जिन्होंने वो तहरीरें शामिल की हैं, 7 दिन के बाद वो दस्तूर साज असेंबली को दोबारा से उस खिताब को शामिल किया गया है। वरना देखिए बात ये नहीं थी, बात ये थी कि एक आपको एक सर्टन अप्रोच लेके पाकिस्तान को चलाना था, चलना था, हम नहीं चला सके। हैरत अंगेज बात यह है, अभी बात हो रही थी और हम सभी बात कर रहे थे कि जी नौजवान नस्ल, ये ऐसा नहीं है कि नौजवान, देखिए बात यह है हमें सबसे पहले हुआ क्या है, हुआ यह है कि सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया के आने से अब बहुत सारी चीज़ें उसका इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी फ्लो होने लगा, बिल्कुल, तो वो सारी बातें जो हमने सुनी थी और वो सारी बातें जो हमें सुनाई गई थी अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो खुलने लगी। मुझे एक इजाज़त दीजिए, वो आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी, जब खुलने लगी तो सवालात बने, जब सवालात बने तो कोई जवाब देने वाला नहीं है। आप जब तक अनलर्न नहीं करेंगे चीज़ों को आप चीज ठीक कर ही नहीं सकते। डॉक्टर साहब मैं कसम खा के कह सकता हूं इससे बेहतर जगह कोई नहीं है, बेशक, लेकिन एट द सेम टाइम इफ वी डू नॉट वर्क टुगेदर, हमने जो बोल के ट्रांसमिशन शुरू की है साथ मिलके, हो सकता है चंद बातों से आपको मुझसे इख्तलाफ हो सकता है कुछ बातों से मुझे आपकी इख्तलाफ हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे दिल से आपकी इज्जत या तकरीम कम होगी, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, या मैं अपने उलमा कराम की तकरीम के खिलाफ कोई बात करूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं सही करूंगा, इस बात की कोशिश करूंगा कि या तो मैं आपकी मान लूं और आपको बता दूं, या फिर यह है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताने की कोशिश करूं और देखूं कि वहां मुझे रहनुमाई कहां मिल सकती है। बिल्कुल सही, देखिए एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि इसी तरह से एक माशरा बनता है, माशरा कदूरतों से और दुश्मनियों से और एक दूसरे की बेइज्जतियां करने से नहीं बन सकता। आप जब तक एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तब तक आप एक बेहतर माशरा तशकील नहीं दे सकते। मैं वापस आता हूँ, मैं जरा किचन में चला जाऊँ, आज सहरी बहुत अच्छी है ये मैं आपको बता रहा हूँ, अचारी छोले हैं और चिकन अचारी भी है ना, 23 मार्च की खुशी में बना रही है माशाल्लाह, है 23 मार्च की खुशी में, मैं अभी बताता हूँ आपको जाके। हाँ जी खोलिए, समीना का, समीना आदाब आदाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई, बताइए क्या बना रही हैं आप? मैं आज बना रही हूँ अचारी छोले और उसके साथ बना रही हूँ चिकन हांडी और गर्मा गर्म पूरी। अच्छा ये चेक कर लें शहरयार साहब, ये चेक तो ऐसी की जाएगी, देखें आप। अच्छा हाँ मैंने कह दिया पहले ही, नहीं आपने नहीं कहा, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, अभी दूंगा नहीं, ये गरम गरम पूरी निकल रही है, वाह 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 माशाल्लाह। इनका पहले आपको पूरी चेक करेंगे, उसके बाद का इंतजार करेंगे। क्या कह रहे हैं? ठंडा होने का इंतजार करेंगे। नहीं नहीं गरम कर लेंगे दोबारा। नहीं मैं ये कह रहा था इनको आप अभी से निकाल रही हैं, हमें तो गरीबों को 4:45 बजे मिलेगा। कोई बात नहीं, आप क्या मतलब मिल जाएगा आपको गरीबों को, और पूरा इंतजाम है हमारे हाथ में खराब करने का, बेफिक्र रहे हैं जी। बताइए प्लीज, ये चिकन हांडी
वो उनकी शिकायत भी दूर कर दें, वो ये कह रहे हैं कि हमें पौने पाँच बजे मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसी वक्त मैं गरम गरम बनाऊंगी। देखिए वो कह रहे हैं उसी वक्त बनाएंगी। हमारी सारी दुआएं आपके लिए बहन, अल्लाह आपको सलामत रखे। जज़ाकअल्लाह। पहले हम हांडी तैयार करेंगे। हाँ जी बताइए। ये चिकन हांडी जो हमने, मैंने चिकन लिया बोनलेस, ओके, इसकी सारी मैरिनेशन मैं आपके सामने करूंगी। ठीक है। ये है इसके साथ दही जो हम इसमें ऐड करेंगे, ओके, और ये इसके सारे मसाले जिसमें हमारी कुटी मिर्च, ये गरम मसाला है, और कश्मीरी लाल मिर्च है, वेरी नाइस, इसी काली मिर्च है। अच्छा, मिर्च कोई भी हो, कश्मीरी हो या थोड़ा टेस्ट कहीं की भी हो, मिर्च मिर्च होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी मैरिनेशन के लिए हम इसमें पहले दही ऐड कर लेंगे। मुफ्ती साहब हंस रहे हैं, आपको सच कह रहा हूँ। अच्छा, मिर्च तो मिर्च होती है, कहीं की भी हो भाई, लग जाए तो बहुत बुरी लगती है। ये कराची और मिर्च लाजम मलजूम क्यों है ये समझ नहीं। सर ऐसा नहीं है सर, पंजाब में भी ये सब है, फर्क सिर्फ ये है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अक्सर लोग ये समझते हैं सर पंजाब में बहुत ज्यादा खाया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेकर खैबर तक जो पैदा हुआ है वो खा रहा है। और क्योंकि रमजान में बना है पाकिस्तान, आपको तो रमजान में सब बहुत खाते हैं। सर मैं नहीं कह सकता, ये है फ्रेश क्रीम जो बिल्कुल लास्ट में ऐड की जाएगी तैयार होने के बाद। ये है टमाटर फ्यूरी जो मैंने घर से इसलिए तैयार करके लाया कि ग्राइंड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसमें हमने टमाटर डाले, हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल के हमने इसका पेस्ट बना लिया है। ठीक है। ये इसको हम पकने के बाद थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि थोड़ी ड्राई हो जाए उसके बाद। कितनी देर लगेगी पकाने में? पकाने में 20 मिनट्स। अच्छा जी, आज हम खाने वाले हैं और अचारी छोले का मैं आपको, अचारी छोले जी। अचारी छोले के लिए हमने पहले सबसे पहले प्याज ब्राउन किया। ठीक है। प्याज ब्राउन करने के बाद हमने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, टमाटर डाले और अचारी मसाला, अचारी मसाले में जिसमें कलौंजी, मेथी दाना, कुटी हुई मिर्च, गरम मसाला पिसा हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब डाल के हमने उसको, और कड़ी पत्ते से मैंने इसको बघारा, कड़ी पत्ते और साबुत मिर्च से हो चुका है जी, उसको किया। अब उसके बाद छोले डाले, अभी इसकी थोड़ी सी मैरिनेशन बाकी है जो मैं भी आपके सामने यहीं पर करूंगी। वेरी नाइस जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बाजार हो जाए,
عرش پہ ہوں نظریں جماتا ہوں تصور میں تیرے ہر شے پہ ہوں نظریں جماتا ہوں نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے سنبھل کر پاؤں رکھنا اے غازیوں شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اپنے جذبات کی رو میں بہت زیادہ لاؤڈ ہو گیا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے بھی اور ان لوگوں سے بھی جن سے اگر میری کسی بات سے دل آزاری ہوئی ہے تو اس کے نہیں لیے کوئی بات معذرت خواہوں نہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ ہماری جان ہیں آپ ہمارا دل ہیں اور آپ کی ناراضگی تو ہمیں ویسی بڑی اچھی لگتی ہے میں سچ بتا رہا ہوں میں شہریار بھائی کے بغیر ٹرانسمیشن نہیں کر سکتا میں آپ کو سچ دیکھیں میں سچ میں ان کے بغیر ٹرانسمیشن ویسے ہی نہیں کر سکتا تو آپ ہمارا دل ہیں آپ کیا کرتے ہیں ارے بھائی کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا سر سر کیا ہو گیا کیا ہو گیا سبحان اللہ کیا ہو گیا بڑی بات ہے وہ شام کا بھولا کیا ہے وہ صبح کا بولا شام کو گھر آ جائے تو بولا یہ تو شام ہونے نہیں تھی نہیں میں آپ کو بتاؤں جو جن کے دل صاف ہوتے ہیں نا اور شہرہ بھائی ایک یہ ان کی بات نہیں ہے انہوں نے کہا بھول گئے ختم میں بھی ایسا ہی ہوں دس مرتبہ ایسا ہوتا ہے ان سے میری ملاقات جب بھی ہوئی ہے جس وقت بھی ہوئی آپ یقین مانیں میں نے کبھی کسی اور یہ مزے کی بات کیا ہے یہ سب سے پہلے خود کو کہتے ہیں کہ میں برا ہوں میں ہوں بھی اور کل پرسوں انہوں نے کہا اور انہوں نے جب بولنا شروع کیا تو میں خود سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں بیکاز میں انہیں پرسنلی جانتا ہوں آپ جیسے لوگ نہیں ہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ جیسے لوگ ہیں میں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو نہیں ہیں کم ہیں بڑے کم ہیں مجھ جیسے آپ کو کروڑوں مل جائیں گے آپ جیسے نہیں ہیں مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے ساحر بھائی کہ ہمیشہ ہم نے رزق حلال کھایا ہمیشہ کبھی ہم نے کسی سے قرضہ نہیں لیا اپنے حالات میں گزارا کیا مگر اس کے باوجود میرے بچے مقروض کیوں پیدا ہوئے اللہ اب آپ کی اجازت جی اجازت بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل ہمارا عنوان تھا ہم کہاں کھڑے ہیں تو بہت دور نکل گئے خیر ڈسکشن ہونی چاہیے نہیں لیکن میرے خیال میں صحیح تھے صحیح ہے ان کی بھی بات صحیح ہے میری بھی بات ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کی بات ٹھیک آپ کی بھی اور ہم سب کی باتیں ٹھیک ہیں جی جی ہم سب کا دل دکھا ہوا ہے کنکلوژن ایک ہی ہے سب کی اپنی اپنی رائے ہے میری ذاتی ایک رائے ہے میں اپنی رائے رکھتا ہوں میری رائے یہ ہے کہ ہمارے کولو فیل میں بہت بڑا تضاد ہے بالکل یہ کیمرے لگے ہوئے کیمرے کے سامنے ہماری گفتگو کچھ ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں کسی کی نہیں ہم باہر نکلیں گے ہماری گفتگو کچھ اور ہے یہ ملک بچا ہوا ہے صرف ان قربانیوں کی وجہ سے جو 14 لاکھ قربانی دی گئی ان لوگوں کی نیت کی وجہ سے واہ 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 اگریڈ ورنہ اس کے ساتھ ظلم کرنے میں کسی نے کسی کبھی کسی نے چھوڑا نہیں ہے اگریڈ جس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے
इस मुल्क में शरीफ वही है जिसका हाथ नहीं पहुंचा। ये दोबारा बोल, यही बात। इस मुल्क में शरीफ आदमी वही है जिसका हाथ नहीं पहुंचा, जिसका दांव नहीं चला, जिसका हाथ को मौका नहीं मिला, वो माफ नहीं करता। देखिए सही बात है, अभी पाकिस्तान की बात हो रही है कि हम कहां खड़े। मैं ये सोचूं कि मैंने पाकिस्तान को कहां खड़ा किया। वाह 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 वाह, जबरदस्त। पाकिस्तान साहब कमाल हो गया। वाह, पाकिस्तान में कोई जुर्म हुआ, मैं उस जुर्म के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान में मैंने अपने घर को पाकिस्तान समझा, मैंने गली को नहीं समझा। अपने घर का कचरा उठाया, गली में फेंका, गली को मैंने इंडिया समझा। पाकिस्तान में कत्ल हुआ, मैं कातिल के साथ खड़ा हुआ। पाकिस्तान को जब मेरी जरूरत पड़ी, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। पाकिस्तान के साथ जितने जुर्म हो रहे हैं, इनमें मैं मुजरिम हूँ, मैं कसूरवार हूँ। बस आई थिंक जबरदस्त। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद को यहीं से शुरू करते हैं। ब्रेक है जी। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। अच्छा जी, अब इसके कंक्लूजन की तरफ आते हैं। इसके बाद जाहिर है ना, मुझे बता दीजिए किस तरह से हम आज जहाँ भी, जिस जगह भी हैं, निकलने के ज़राए क्या। देखिए बहुत आसान है, आप एक सडन आपने एक आइन बनाया, उस आइन को जो है आप डोमिनेंस कर दें, सबको उसके ताबे कर दें, ठीक है ना। मुफ्ती साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि जो हमारे यहाँ मुख्तदर हल्के हैं ना, ठीक है ना, वो आपने क्या जुमला कहा था,
कि वो सबसे पहले मान लेना मसला हल हो जाएगा, ठीक है ना, उस आइन को। आइन के तहत चलो बड़ा खूबसूरत हमारा आइन है, उसमें ह्यूमैनिटी भी है, उसमें इस्लाम के फार्मूले भी, और मज़ीद अगर अमेंडमेंट कोई करना चाहते हैं आज़ादी इजहार इंसान का, तो जुमला ये था कि कानून बनाने वाले खुद उस कानून पर अमल करने वाले खुद उस पर अमल करना, वो कर लें, एक सर्टेन डायरेक्शन बना दें, कम अज़ कम 15 साल की पॉलिसी जो है उसको लॉक कर दें कि हमने ये पॉलिसी है, ये गाइडलाइन है, इससे नहीं हटना है, ठीक है ना। आप यकीन कीजिए पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा और सारे बैठ जाएं, सारे इख्तलाफ खत्म कर दें, जबरदस्त, चाहे वो वर्दी वाला हो बगैर, मैं खुलकर बात कर रहा हूं, सारा पाकिस्तानी बैठ जाए, किसी को हठधर्मी की जरूरत नहीं, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान। अपनी जात को फना करेंगे इज्तिमाईयत की खातिर, तो हुसैनियत है क्या बात? और इज्तिमाईयत की खातिर अपनी जात को ऊपर ले जाना, इज्तिमाईयत को खत्म कर देना, यही तो यजीदियत है। इमाम आली मकाम उस दीन को बचा रहे थे, उस अकदार को बचा रहे थे। यजीद क्या, हुजूर ने क्या कहा था, गुलामों को ख़त्म किया था, यजीद फिर दौरे गुलामी ला रहा था। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, मेरा नाना तो झुके वो सरों को फख्र से बुलंद किया था, तुम दोबारा झुकाना चाह रहे हो, ये नहीं हो सकता हुसैन के लिए कि तुम लोगों को गुलाम बना लो। तो इमाम हुसैन ने सर कटवा दिया लेकिन गुलाम बनना कबूल नहीं किया। क्या बात, लिहाजा मैं समझता हूँ कि सब अपने अपने हिस्से की जो गलतियाँ उनका, देखिए कितने आला ज़र्फ़ हैं लाइफ, ये बहुत बड़ी गुर्दे की बात है, ये अना के बुतों को पाश करना पड़ता है तब जाकर ये एटीट्यूड आता है, बिहेवियर आता है। अच्छा, मैं अप्रिशिएट करता हूं इनको ना। अच्छा, मैं चूंकि शहरा भाई को बरसों से जानता हूं, ये ऐसे ही हैं, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये किसी के साथ भी नहीं, कैमरे अमरे की कोई परवाह नहीं है इनके लिए, बात ऐसे ही लोग होने चाहिए। मैं साहिर भाई एक बात बताऊँ आपको, देखिये फार्मूला सबको समझ में आता है, सिर्फ मैं नहीं हूँ कोई जहीन फितरी, सबको समझ में आता है। आप 5-6 महीने सारे बैठ जाएं मिलकर, सारे बुत पाश पाश कर दें, उसके बाद एक बेहतरीन सिस्टम लाकर रीपोल करवाएं, अवाम पर छोड़ दें, और जो अच्छाइयां सबकी, कोई किसी की बुराई ना करे, जी मुत्तफ़िका हमने बना लिया, अब अवाम के सुपुर्द है, जो जिसको चाहता है वो उसको लाए, 10-15 साल के लिए पॉलिसी जो है वो उसको लॉक कर दें, इससे कोई नहीं हटेगा। क्या बात है, देखें ये कितनी बड़ी बात है, जो भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं। हमने जब ये ट्रांसमिशन शुरू की थी तो इसका मैसेज क्या था, साथ मिलके, साथ मिलके, साथ मिलके, ये साथ एक आदमी तब्दीली नहीं ला सकता, कभी नहीं ला सकता, सब मिलेंगे तो तब्दीली आएगी। बिल्कुल बिल्कुल 100%। शहरा भाई बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने, यही है कि दिलों की आवाज है कि अब बहुत हो गया, हाँ बहुत हो गया यार, बस कर दो बस, बस अब हम किस वक्त के मेहमान है कुछ पता थोड़ी है यार, हम लोग तो वैसे ही, क्योंकि हमारे पास तो बोनस टाइम चल रहा है, 50+ 55+ हो गए तो, लेकिन नौजवानों को अब हमारी आने वाली नस्लों को अब सोचना चाहिए कि यार उन्हें भी आना है, आके बैठ जाएं और बैठ के अपने मुस्तकबिल का तायुन खुद करें। अच्छा, जो इब्तिदा करेगा ना वो सबसे बड़ा होगा, ये मैं आपको बता दूं, कोई शक ना, जो सबसे पहल करेगा ना वो सबसे बड़ा होगा, पूरी कौम उसे जो है सल्यूट करेगी। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बरहाल मैं यही अर्ज करूँगा कि हमें बहुत होश हवास को मेरी तरफ जज्बाती होकर के नहीं, बल्कि बहुत होशो हवास के साथ अपने और बेगाने, दुश्मन और सज्जन को पहचानते हुए अपना अब मुस्तकबिल खुद उसका तयन करना होगा। लेकिन मैं आपकी इसी तरह कौम के बेटे साहिर भाई सरहदों पर शहादत देते हैं, कोई शक नहीं, हम उनकी लाशें उठाते रहेंगे, कांधे देते रहेंगे, एक वक्त आए खाकम बदहन कहीं पाकिस्तान जो है वो ना हिल जाए, हिस्सा अपना गंवा चुके हैं। लेकिन अभी जो आपने कही ना, कभी कभी जज्बात जो होते हैं वो इंसान को, इंसान की आँख खोलने के लिए होते हैं, और आपने अगर कोई बात की है तो वो इसलिए नहीं की है, बिकॉज़ आपने इसलिए बात की बिकॉज़ जब अंदर से इंसान दुखता है तो फिर वो कहता है, वो बात कहता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करेंगे एंड लेट्स सी कि हम किस कंक्लूजन पर पहुँचते हैं। ऑलराइट जी, हम यहाँ समीना के साथ हैं। समीना बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ट्राई कर सकता हूँ? बिल्कुल। ऑलराइट जी, इन्होंने मुझे खास तौर पे कहा कि ट्राई करें, तो मैं अचारी छोले ट्राई कर रहा हूँ। मुझे लाहौर याद आ गया, वहाँ इस किस्म के चिक्कड़ छोले बनते हैं। अब आई डोंट नो कि ये, बट ऑनेस्टली लुक्स रियली गुड। सर बिल्कुल सही बताइएगा, अच्छे ऑनेस्टली बहुत अच्छे। थैंक यू, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। ये चिकन हांडी है जी, चिकन हांडी है जी, चिकन हांडी है जी, ये अचारी छोले हैं,
और ये प्रेजेंटेशन है, ये पूरियां हैं, सब कुछ आज बहुत अच्छा अच्छा मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुस्तफा साहब? ठीक ठाक, तबीयत कैसी? आपको भी 23 मार्च की बड़ी मुबारकबाद। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी तबीयत कैसी है? अच्छा जी, बात हो रही थी हम आज कहाँ खड़े हैं। आप पाकिस्तान कहाँ खड़ा? पाकिस्तान कहाँ खड़ा? पाकिस्तान मैं समझता हूँ वहीं खड़ा है। माइक खोल दीजिए। बनते वक्त खड़ा था, जहाँ बनते वक्त जब बना था तो जहाँ खड़ा था। हाँ जी जी, शुक्रिया, थैंक यू जी। आज भी वहीं खड़ा है। अच्छा, और ये और बात है कि इसकी आवाम का भी पता नहीं लग रहा कि ये कहाँ है। वाह भाई वाह, पहली बात तो याद है। क्या बात? अच्छा, इसलिए कि पाकिस्तान खुदावंदे आलम ने हमें जिस तरीके से, मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम हमें मिला मोहम्मद अली और फातिमा के तवसुस से, इसी तरीके से ये पाकिस्तान जो वतन अजीज हमारा है ये भी मोहम्मद अली किस तरह से और फातिमा क्या जिना के क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मोहम्मद अली फातिमा, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, क्या बात। नस्बत ही इतनी मुस्तहकम है कि इसके दवाम और इसकी इर्तका और इसकी बुलंदियों के हवाले से कोई पहुंच तो नहीं सकता। ये और बात है कि शायद आज हम उस जगह नहीं कि जब हमने ये पाकिस्तान बनाया था, और हमने तो नहीं बनाया इसलिए हमें इस नेमत का कदर भी नहीं है सही मायनों में। जिन्होंने बनाया था वो इसकी कदरों को जानते हैं, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि हमारे असलाब ने बनाया था और हम इसे बचाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहुत खूब, ये सोच हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। और जो चीज़ मुश्किल है इस वक्त वो ये है कि हमें उस तरह के अब लीडर नहीं मिल रहे जिस तरह की इस पाकिस्तान को ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक, लीडर बहुत होंगे, मैं उससे इनकार नहीं करता, हर एक की अपनी सोच होगी, अपना अंदाज होगा, अपनी फिक्र होगी, मुझे उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मुझे फिक्र इस बात की है कि सारे लीडर खुद ही को तो सब बुलंद कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को कोई नहीं बुलंद कर रहा। लीडर वो है नहीं, खुद ही को नहीं, खुद ही को, खुद ही को, खुद ही को, खुद ही को बुलंद करो, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, मैं कहूँ हर ताबीर से पहले, हर नसीब से पहले, हर मुस्तकबिल से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे। बता तेरी रजा, पाकिस्तानियों क्या बात पूछे। और ये कोई बईद नहीं है, मैंने अर्ज किया कि ये शेर ऐसे ही नहीं है, इसको जिस माना में भी लिया जाए, बस शर्त ये है कि आप अच्छा। लेकिन यहाँ यहाँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ, और ये नहीं, अलाम साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है बड़े कड़वे फैसले और सख्त फैसले करने पड़ेंगे। याद रखिए 2024 हमारे लिए कोई बहुत अच्छा साल नहीं होगा फाइनेंशियली, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ अभी से। तो स्टार्ट सेविंग, सेव कीजिए जितना पैसा आप सेव कर सकते हैं, खुदा रहा ये लोग बात नहीं करते, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ स्टार्ट सेविंग प्लीज़। एक मैंने अमरीका में एक मिसाल सुनी थी, द पेनी यू सेव इज़ द पेनी यू अर्न, वो एक पैसा जो तुम बचाते हो वो एक पैसा वो है जो तुमने कमाया है, ये बहुत बड़ी बात है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, कंटिन्यू। बस मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं कि पाकिस्तान से हमने डिमांड तो बहुत की, लेकिन कभी हमें ये भी तो देखना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को दिया क्या, क्या हमने बात? जब तक हम देने का जज्बा नहीं पैदा करेंगे पाकिस्तान से लेने के, और पाकिस्तान ने हमें हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश मेरे पाकिस्तान का ही दम निकले, मेरे अरमा बहुत निकले फिर भी कम निकले। बात वही है कि मेरे अरमा बहुत निकले, और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, इसलिए कि मैं जब दो तीन चीज़ें बस मैं सिर्फ मोटी मोटी बयान करूं कि पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो 57 इस्लामी ममालिक हैं, माशाल्लाह हर अपनी जगह एक नौयत है, लेकिन खुदा ने आपको ही एटमी ताकत बनाया, ये कोई आसान नहीं है, लेकिन जो भी हाल हुआ हमने उसको बना लिया। या OIC जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन बिल्कुल का जो तोहफा ये पाकिस्तान ने दिया है दुनिया को,
ये मुसलमानों को पाकिस्तान ने दिया, ये और बात है कि अब वो सिर्फ ओ आई और सी रह गया बस, वो अब उस मंजिल में नहीं है कि जिसको होना चाहिए था। अब तो हर बात में हम यही कहते थे कि बस हम देखेंगे ओआईसी 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 और पाकिस्तान, मुझे लगता है दोनों बहन भाई हैं जी। तो मैं ये कहूंगा कि इस लिहाज से अच्छा, इस जमीन को ये बड़ी जरखेज, दोनों की एक जैसी हालत, ये बहुत जरखेज है, इस पे बीज डाले तो सही, आप फल चाह रहे हैं बीज नहीं देते इसको, इस जमीन के कुछ हुकूक है हमारे, बीज को डालने नहीं देते, ले जाता है वो जो अपने बीज बोते हैं फिर हम उसको काटते हैं वो फिर अपनी जगह ऐसे ऐसे बीज बो के चले जाते हैं, आपको पता चलता है कि बीज कड़वे फैसले भाई आपके लिए तो मीठा हो गए, कड़वे हमारे लिए। वाह वाह, मैं कह रहा हूँ क्या बात की आपने डॉक्टर साहब, ये बड़ी कमाल बात है भाई, ये जो बात है ना, ये बड़ी कमाल बात है। अच्छा वो कड़वे वो कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो आम को बोल रहे तुम्हारे लिए कड़वे होंगे, वो तो उसमें से भी सुनते चले आ रहे हैं सख्त फैसले, वो कड़वे फैसलों से भी मिठास निचोड़ लेंगे सर। ये सुनते हैं हम कि सख्त फैसले करने पड़ेंगे, मगर अभी तक सख्त फैसले नहीं कर रहे। अच्छा इसमें एक दो बातें मैं कहूँ कि देखिए जो हकायक हैं उस पर भी बात ज़रूर होनी चाहिए। मसलन हम चाहते हैं कि हमें बिजली तो इतनी मिले कि हमारे हर कमरे में एसी चले, बिल ना देना पड़े। एक वाकया मैं छोटा सा सिर्फ नकल कर दूं सर, कि मेरे कहीं पे मैं पहुंचा तो देखा 2-3 महीने का बिल रखा हुआ था, तो मैंने कहा भाई ये आपने मुझे बताया नहीं कि मैं इसको भर देता बिल को, तो फिर मैंने उससे एक सवाल किया तुम्हारे घर में बिल नहीं आता बिजली का बिल, तो इसी तरह रखे रहते हो तुम लोग या भरते हो, यानी मुझे थोड़ा गुस्सा आया, तो मैंने कहा भाई ये बिल आया था तो आप मुझे बता देते, मैं भर देता उसको जो तरीका है, तो क्या आप बिल नहीं भरते हो? तो उसने वाकया बेचारे ने बड़ी सदाकत से बड़ी ईमानदारी से मुझसे सच बोला, कहा साहब बिल हम कौन सा भरते हैं, बिजली लेते हैं, बिल हम नहीं भरते। मेरे पास हालात जिस मुल्क के हो, गैस का बिल मैं अब तो थोड़ा महंगा हुआ है, लेकिन मैं कहूँ कि जब 300, 400, 500, मैं 500 गैस के बंगले में रहता हूँ और बिल 500-700, मेरे दो एक दिन एक बच्चा एक वक्त में आइसक्रीम मंगा ले तो उससे ज़्यादा क्यों होते, पूरे महीने में गैस जलाता हूँ, मैंने बड़ी बेकदरी की है इस मुल्क की नेमतों की। अच्छा मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, एक शख्स मेरे पास भी आया था, आपने तो एक तरफ की बात की ना, मैं दूसरी तरफ की बात कर रहा हूँ, रोता पीटता हुआ आया, कहता भाई मेरे पास एक कमरा है, एक पंखा और एक लाइट बल्ब है, 22.5 लाख रुपए का बिल कहता है मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई तुम ये बताओ मैं क्या करूं? उन्हें कॉल तो करें, मैं कह रहा हूं बिजली काट देंगे, मैंने कहा भाई वो तो आती नहीं है तो काटोगे क्या? पूरी कौम को सोलर पे लगा दिया फिर भी बिल कम बखत उतना ही आता है। सही बात। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अल्लाह करे आपके यहाँ बिजली आ रही हो, छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक। और एक ऐलान है जो हम आज से ये प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, आप अपने ऑडियो और वीडियो पैगाम हमें बज़रिया व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं। अच्छा वो क्या पैगाम हैं, हमारे यहाँ उलमा कराम होते हैं, इनसे अगर आपका कोई सवाल है, कोई दीनी मसला है जो आप पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें वीडियो कॉल कर सकते हैं या आप हमें ऑडियो मैसेज जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं, वीडियो कॉल तो नहीं, ऑडियो या वीडियो मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या सिंपली लिख के भेज दीजिए टेक्स्ट। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर आप अपने मैसेजेस अपने सवालात भेज सकते हैं उलमा के लिए, वो है 03128898272। अच्छा ये सवालात के लिए है, याद रखिएगा ये नंबर, आप अपने दीनी सवालात या दुनियावी सवालात या फ़िक़ही सवालात जो आपको लगता है कि आपको सवाल आपके जहन में है, मिसाल मैं दे देता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि आप पूछना चाहते हैं कि खुला की हैसियत क्या है या तलाक किस तरह से होती है एंड ऑल दैट, जो भी हमारे एक एक मसाइल होते हैं, तो वो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 03128898272। दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको 03 सामने लिखा हुआ भी है 8898272। थैंक यू जी।
इसके साथ साथ इमाम रब्बानी ट्रैवल्स की जानिब से उमरे का टिकट दिया जाएगा उस खुशनसीब को जो बोल नाते मुकाबले का हिस्सा होगा और जीतेगा फाइनल में जाके। सो थैंक यू इमाम रब्बानी ट्रैवल, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे पास दो पैकेजेस हैं जो हम आपको पहले दिखाना चाहते हैं। पहला मरहला जो है वो ख़त्म हो गया। पहले मरहले के बाद 11 कंटेस्टेंट्स ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई किया। उन 11 में से भी 3 कंटेस्टेंट आज होंगे, जहां से 2 कंटेस्टेंट 25 राउंड नेक्स्ट में गए। ओके, 25 कंटेस्टेंट्स ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये पहला पैकेज, फिर उसके बाद जो आज के कंटेस्टेंट हैं उनके बारे में हम बताएंगे। वॉच दिस। बोल नाथिया मुकाबले के पहले राउंड में आपने सुनी 40 आवाजें। इन 40 आवाजों में से जजेस ने सेलेक्ट की जो सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई हैं, और वो खुशनसीब आवाजें हैं अरसलान इकबाल कराची से, सोनिया रानी मुजफ्फरगढ़ से, महानूर शाह अटक से, अहमद रजा करीमी कराची से, आयशा मतलूब कराची से, अब्दुल राफे हैदराबाद से, मोहम्मद इफ़हाम कराची से, अब्दुल रहमान हैदराबाद से, किरण फातिमा कराची से, आमना आमिर इस्लामाबाद से, हसीब कादरी कराची से, जीशान अब्बासी कराची से, मोहम्मद उमर कुरैशी कराची से, अमीर अली लाहौर से, फातिमा सगीर कराची से, तूबा मजहर कराची से, आयान अहमद कादरी लाहौर से, कहकशा सुहेल कराची से, ताहा कादरी रावलपिंडी से, हाफिज अली रजा झंग से, फसीउल हसन वाहकेंट से, गुलजार कादरी गुजरात से, हमजा अली कराची से, हमजा रूमी कराची से, और मोहम्मद मुदस्सिर कराची से। हम इन तमाम कंटेस्टेंट्स को मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये नॉमिनेट हुए हैं सेकंड राउंड के लिए। ऑलराइट जी, और आज जो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, आज जो लोग कढ़ रहे हैं, उसमें से दो लोग आगे चले जाएंगे और एक जो है वो पीछे रह जाएगा, उसका सफ़र यहाँ आज ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पैकेज देख लेते हैं कि आज कौन कौन से लोग इसमें शरीक होंगे, उसके बाद हम नातों की तरफ चलेंगे। वॉच दिस। बोल नातिया मुकाबले के सेकंड राउंड में आज परफॉर्म करेंगे अरसलान इकबाल कराची से, फातिमा सगीर कराची से, और सोनिया रानी लाहौर से। आइए देखते हैं इनकी आज की परफॉर्मेंस। अच्छा जी जजेस, सोनिया रानी की पहली परफॉर्मेंस है जो आप लोगों ने देखी है। इनको रिकॉर्ड हमने स्टूडियोज के अंदर किया है, मुजफ्फरगढ़ से इनका ताल्लुक है। अगर आप लोग इजाजत दें चलाएं। ओके जी, प्लीज वॉच दिस। सोनिया रानी फ्रॉम मुजफ्फरगढ़ बट इन रिकॉर्डेड इन लाहौर। हुजूर जानते हैं, हुदूर ताईर सिदरा, हुजूर जानते हैं हुजूर जान
जानते हैं, ये बांटने का करीना हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं, डॉक्टर साहब जबरदस्त माशाल्लाह पढ़ाया उन्होंने, सुभान अल्लाह। पर थोड़ा सा मुझे एक अरज, जब जानते पे आती थी ना ये थोड़ा सा डी ट्रैक होती थी एक आध जगह पर, लेकिन ओवरऑल क्या कमाल पढ़ा है माशाल्लाह बच्ची ने, माशाल्लाह बेटी ने बहुत अच्छा पढ़ा। सर ये फर्स्ट आ गए तो ये तो अभी तो आगे देखते हैं, लेकिन माशाल्लाह जो पढ़ा है। मैं तो उवैस और सलमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी आवाज़ों को सिलेक्ट किया और हमको सुनने का मौका दिया। जी आवाज़ें सारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन ज़ाहिर है कोई आगे जाएगा और कोई रह जाएगा। इसमें कमी सिर्फ ये थी कि अल्फाज जो है उसके तलफ़ुज़ में, यानी हुदा है खुदा है हुदा नहीं है और ताहिर है और ताहिर है, तो यानी अल्फाज केस में है थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू में। डॉक्टर साहब के साथ हैं, डॉक्टर साहब के साथ हैं आप। हाँ सलमान रुबाबा जी ने गलती निकाली, ताहिर नहीं ताहिर है, सिद्ध रहे उन्होंने ताहिर सही पढ़ा है। नहीं आप गौर से उसको सुनिए दोबारा। नहीं सही पढ़ा उसने, हमने सुना है। अच्छा हुदा है, उसने हुदा पढ़ा है जबकि खुदा है। उसने सही पढ़ा लेकिन वो उसने होगी लेकिन ताहिर उसने सही पढ़ा, उसने सही पढ़ा है लेकिन सही पढ़ा है। दूसरी बात ये है कि उसने निभाने की कोशिश की है, हत्तुल इम्कान उसने कोशिश की है कि मैं अपनी 100% दूँ, लेकिन अंतरा जो है उस तरह से मैं ये समझता हूँ कि उस तरह से ऊपर लेके नहीं गई, और उन्होंने कोशिश अच्छी थी उनकी। हाँ सर तलफ़ुज़ की गलती रही, जैसे कासिम का वर्ड जब उन्होंने कहा तो वो कासिम कहा, तो उर्दू जब उर्दू में पढ़ रहे हैं तो तलफ़ुज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। और जो इनकी पहली परफॉर्मेंस थी अगर आपको याद हो साहिर भाई फर्स्ट राउंड की, वो बहुत अच्छी थी। हाँ, लेकिन हाँ, आज ज़रा सा इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ढलक गई। मैं समझता हूँ कलाम की सिलेक्शन अपने हिसाब से उन्होंने नहीं की। इस कलाम की बहुत मशहूर ज़माना तर्ज है, ये उसकी दूसरी तर्ज है जिसका इतना असर नहीं हो पा रहा था मैं समझता हूँ। और इनके गले के हिसाब से जब गले से आप हरकत निकालना चाहें और वो भरपूर तरीके से ना साथ दे रही हो, तो वो पोजीशन में थी हमारी बहन। और तलफ़ुज़ की गलतियाँ कुछ जगह थी अल्फाज की, और वो कुछ इलाकाई ज़बान की वजह से भी होता है, जिस इलाके से वो डिपेंड करता है उससे भी थोड़ा सा फ़र्क आता है, लेकिन ओवरऑल हम उम्मीद करते थे कि इससे ज़्यादा अच्छा पढ़ सकती थी। ऑलराइट बहुत बहुत शुक्रिया। अरसलान इकबाल आपका ताल्लुक कराची से, तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अरसलान? अल्हम्दुलिल्लाह। तैयार हैं आज आप? जी तैयार है ना? जी बस तो दो मिनट हैं आपके पास, बिस्मिल्लाह कीजिए। कोई नबी नहीं है। वाह वाह सुभान अल्लाह। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, शेरे खुदा नहीं है अली मुर्तजा के बाद, कोई नबी नहीं है ना है किसी के बेटे हुसैन है कोई फातिमा
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी सर माशाल्लाह अच्छा पढ़ा, लेकिन मुझे लगता है ये मस्जिद अच्छा पढ़ सकते थे। ये जब ऊपर उठा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद नीचे लाते वो रब्त बरकरार है, और लफ्ज़ों के दरमियान भी बेटा रब्त नहीं है। मतलब आपको कहाँ सांस तोड़ना ये आपको परफेक्टली मालूम होना चाहिए। ये नहीं हो सकता है आपने एक सांस में तीन लफ्ज़ बोल दिए और दूसरे में सिर्फ मेरे बोला या कोई और बोला, फिर दोबारा स्टार्ट किया। इससे कलाम के हुस्न में जो है ना वो मज़ा नहीं आता, उसमें थोड़ी सी कमी कर देते हैं आप। तो आपको कहाँ सांस तोड़ना ये आपको मालूम होना चाहिए। और आपको नीचे आते हुए थोड़ी सी तकलीफ हुई जिसकी वजह से आप ज़्यादा मुर्गियाँ लगा रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे बस। सर ठीक फरमाया डॉक्टर साहब ने, मेहनत की ज़रूरत है। जी जी कलाम बहुत प्यारा था माशाल्लाह। पंजतन पे तो वैसे ही मेरी जान कुर्बान है, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। आपा के साथ के वाकई इस नाम पे जान कुर्बान है और बेहतरीन पढ़ा है, लेकिन एक दो जगह थोड़ा सा ज़ाहिर है मिस्टेक तो होती है इंसान से पढ़ने में, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा हो रहा। डॉक्टर साहब के साथ सब जा रहे हैं। अगर ये ऊपर रख के पढ़ते तो और मजीद बेहतर पढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से इनका इनका अंतरा उस तरह नहीं लग पाया। इनको लेना चाहिए था। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद। वो हसन कुछ कह रहे हैं आपसे। आप माइक में बोल दें ये बात। ये रचाओ की वजह से आप भी वही स्केल बोल गए। बहरहाल असल में आज इसके नंबर आपके माइनस होंगे। कोई मसला नहीं, मैं पढ़ के बता रहा था कि ये बात बिल्कुल सही की है सलमान ने कि सुर अगर ये आधा नोड ऊपर रख लेते ना तो अंतरा बहुत अच्छा कह जाते, लेकिन सुर नीचे रखा जिसकी वजह से अंतरे में जाते हुए ये पहले ही डाउन हो गए, जिसकी वजह से आज मजेदार नहीं पढ़ सके। मुझे माशाल्लाह क्योंकि जो सिलेक्शन सलमान ने और अवैस ने की है और मुझे बताया कि ये बच्चा माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, लेकिन बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था इस कलाम का। जिस मोहब्बत से उन्होंने शुरू किया था उस हिसाब से उनको जिस जगह लेके जाना चाहिए था, आपकी तैयारी इस कलाम में नज़र नहीं आई। आपका अंतरे में भी स्केल गया। तैयार बच्चा है वो, ऐसा थोड़ी। मैं इस वक्त इस परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, जिस तरह उनके गले की हरकत थी, जिस तरह वो कह सकते हैं खूबसूरत आवाज है, कह सकते हैं इसके अभी परफॉर्मेंस में उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं थी जितना इनका गला साथ दे सकता था। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। आज की तीसरी और आखिरी कंटेस्टेंट ताल्लुक कराची से फातिमा सगीर साहिबा तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं। ठीक हैं, तैयार हैं, तैयारी पूरी है, कर लें शुरू, दो मिनट आपके पास प्लीज। मांगे जो कोई लाइक
अल्लाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे जी। टॉक साहब, मुझे लगता है बच्ची ने कलाम का इंतखाब जो है सही नहीं किया। ये कलाम तो बड़े मीठे अंदाज में पढ़ना है। इन्होंने बाद में जाकर काफ़ी जगह पर झोल नज़र आया, जजेस बेहतर बताएंगे, और जो अंतरा उठाया ना वो उनकी अस्थाई से मैच नहीं कर रहा था। जी सर, बहुत अच्छा पढ़ा है, कलाम का इंतखाब ना हो सका। सर बस थोड़ा सा तलफ्फुज़ पे तवज्जो होनी चाहिए, लहन अपनी जगह। मैं क्या कहूँ, इसलिए कि आप इसी मुकाबले में एक दफ़ा पहले फ़ैसला कर चुके हैं कि फ़ातिमा को सिलेक्ट हो जाना चाहिए, तो इस नाम पर ही हमारी जान कुर्बान है जी। आवाज़ बहुत अच्छी है, मज़ीद मेहनत करें तो बहुत अच्छा पढ़ सकती हैं। सुरों में कई जगह ये ऊंच नीच में इनका उतार चढ़ाव में मिस हुआ है इनका, ये बहुत अच्छा कह रही है। रुबाब के साथ आपने अच्छा कहा, अच्छा आप ये आपके साथ। हाँ जी सलमान, सबको खुश रखना है। कलाम का इंतखाब मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए था, अपने गले के हिसाब से करती हैं, या शायद थोड़ी थकी भी लग रही थी, क्योंकि ये कलाम जो ये पढ़ रही थी बिल्कुल बिखरा हुआ था। मतलब सुर इधर जा रहे हैं, ये इधर भाग रही हैं, कोशिश कर रही थी कि बस जगह लगाऊं, नहीं लग पा रहा थी इनसे, तो बहुत बिखरा हुआ। बेटा हमें बड़ी उम्मीद थी आपसे कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगी, क्योंकि आपकी पहली परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, जिस तरह आप आज आपकी परफॉर्मेंस है तो सब बिखरा हुआ नज़र आया मुझे जी। साहिर भाई सलमान ने सही कहा कि आज फातिमा जो हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, और लग रहा है कि थकी हुई हैं, सहरी भी शायद ज़्यादा कर ली है या बिल्कुल नहीं की है। ऐसे ही हुआ है ना फातिमा, या तो सहरी बिल्कुल नहीं की है आपने या ज़्यादा कर ली है, क्या हुआ है? सहरी नहीं की है ये, फिर आप सही कह रहा हूँ ना मैं कि आपने सहरी नहीं की, कमज़ोर हो गई आप। नहीं अच्छा, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं पढ़ा है फातिमा आपने आज, डाउन। हाँ अच्छा, मेरे हिसाब से अभी मेरा जो मेरी बहस चल रही है, मेरे हिसाब से आज तीनों ने किसी ने भी अच्छा नहीं पढ़ा, और मैं तो अगले राउंड के लिए किसी को भी नहीं ले जाना चाहूंगा। रियली मेरे हिसाब पे अगर, लेकिन हम तीन जजेस हैं तो तीनों अगले राउंड के लिए आप किसी को भी नहीं लेके जाना। आज की परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं, क्योंकि मैं इस जिम्मेदारी पर बैठा हूँ, तो मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट राउंड की परफॉर्मेंस नहीं थी किसी की भी, क्योंकि गलतियां ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही परफॉर्मेंस अपनी अपनी बात नहीं। मेरा एक सवाल है, मेरा माय क्वेश्चन इज के देखें, आपको दो लोगों को तो आगे लेके जाना ही पड़ेगा, तो अब वो चाहे मैं वही साहिर भाई मैं कह रहा हूं, मैं अगर अपनी ताई कहूं तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं जा रहा, लेकिन एक रूल है। आप सेटिस्फाइड नहीं? मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, लेकिन एक वो एक इस कंपटीशन का एक रूल बना है कि अब जो सिलेक्शन होगी वो दो बच्चे आगे जाएंगे। नहीं नहीं, रूल नहीं है हसन भाई, अगर आपको नहीं समझ में आता है और वो गलत पढ़ रहा है तो हम नहीं लेके जाते, लेकिन आज की परफॉर्मेंस एक काम करते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को हम एक मिनट देते हैं, माइक्स रख दीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि क्या होता है, माइक्स रख दीजिए, डिसाइड कर लीजिए, माइक्स को कट कर दीजिएगा। अरसलान आप भी आगे आ जाइए, बेटा आप भी आगे आ जाइए। और अब सवाल ये है कि आप लोगों में से कौन आगे जा रहा है, बिकॉज जजेस दो जो हैं वो ये कह रहे हैं कि दो को आगे जाना है, और हसन ये कह रहे हैं कि दोनों में से किसी एक को भी, तीनों में से किसी एक को भी आगे नहीं जाना। आई एम श्योर द सोनिया इज़ ऑल्सो वॉचिंग अस, तो सोनिया, अरसलान एंड फातिमा, असल में इशू ये है कि ये सेटिस्फाइड नहीं है। वो ये समझते हैं, वो ये समझते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, आज समहाउ कलाम का इंतखाब ठीक नहीं था, सुर ठीक नहीं थे, बिखरे हुए थे आप लोग, तो आई गेस लेट्स सी कि क्या होता है। जजेस से कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? कुछ नहीं, आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ भी नहीं कहना चाहते। ऑलराइट भाई, अब ये दूसरे मरहले में गालिबन आ रहे हैं, हाँ, तो मैं समझता हूँ जजेस भी कुछ टाइम निकालें, इनकी आवाज़ के मुताबिक इनको कलाम सेलेक्ट करके दें। आई थिंक वो तीसरे मरहले में होगा। अच्छा हाँ, तीसरे मरहले में होगा। मैं सिर्फ आपको दे रहा हूँ, अगर आप इससे अग्री करते हैं, मतलब अगर आपके पास ये है तो ठीक है, अदरवाइज फिर मुझे बता दीजिए। बिल्कुल, हम इस बात पे एग्री कर गए कि हम जो फॉर्मेट है उसके तहत हमें दो बच्चों को आगे लेके जाना, और इनको चांस इस सूरत में मिलेगा कि देखिए फॉर्मेट ये नहीं था कि हम चार बच्चों को एक दिन में सेलेक्ट कर लें, ऐसा भी हुआ है लास्ट प्रीवियस एपिसोड। हाँ, ये आपकी, देखिए हसन, ये आप लोगों की मर्जी है, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि तीनों में से कोई आगे ना जाए तो ये आपकी कॉल है। नहीं मैं ऐसा भी नहीं, मतलब देखे ना तीन जजेस हैं, हम तीनों की राय के मुताबिक। अच्छा, मेरा सवाल ये है, ये तीनों पढ़ने वाले तो बहुत अच्छे हैं। नहीं, बहुत अच्छे इसमें मैं, so आज की परफॉर्मेंस, here's my question, here's my question, तो अगर इनमें से दो वो लोग आगे जाते हैं जो आप समझते हैं कि आगे जाके कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं,
तो व्हाट डू यू थिंक? जी बिल्कुल, ये वो बच्चे हैं भाई जो टास्क भी पूरा करेंगे और अच्छा परफॉर्म भी करेंगे इंशाल्लाह यहां पे। इनके अंदर एबिलिटी इतनी है इन बच्चों के अंदर। ओके डन, ये फैसला है जी, हमारा फैसला है। ऑलराइट, फैसला हो गया, मानता है कि इनको चांस दे दिया, फैसला आ गया है। तीन में से दो लोगों का सफर आगे का है, एक का सफर नहीं है। अरसलान इकबाल साहब आप आगे जा रहे हैं। अब सोनिया रानी और फातिमा बची हैं। फातिमा सगीर साहिबा आप आगे जा रही, यही दो लोग थे। और अरसलान इकबाल, फातिमा सगीर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन आज एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस से आप भी गुजरे हैं और आप भी गुजरी हैं। ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि जजेस आप सेटिस्फाइड नहीं थे, तो ये परफॉर्मेंस अगले मरहले की नहीं हो सकती। सोनिया रानी, फिर वॉचिंग दिस, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपने पार्टिसिपेट किया। आज की आपकी परफॉर्मेंस जजेस के मुताबिक आपको यहाँ तक महदूद करती है, लेकिन मेरी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ट्रांसमिशन को इसी तरह से देखिएगा। वी विश यू द वेरी बेस्ट, और इंशाल्लाह 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 अगले साल जब हम मुकाबला करेंगे तो आप ज़रूर इसमें शामिल हो जाइएगा, और ज़रूर मुझे यकीन है कि आप आगे तक जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल आपका सफ़र जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आज जजेस ने ये समझा है कि आप इस मरहले पर यहाँ आज के बाद आप हमारे साथ नहीं होंगी, लेकिन वी रियली अप्रिशिएट यू पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू गाइज, बहुत शुक्रिया। तो अब तो अब सिलसिला ये है कि मुझे लगता है जजेस का फैसला चैलेंज किया जा सकता है। जी, चैलेंज किया जा सकता है, आप करना चाहते हैं? मुझे लगता है वो सोनिया जो है वो इनमें से एक से प्लस थी, और मेरा ये ख्याल है कि जब सारी चीज़ें इन लोगों ने खुद बयान कर दी थी तो चांस जो है वो तीनों को ही देते। बताइए जी सर भाई, शहरियार भाई और मैं भी इसको सेकंड करेंगे। मेरी क्या औकात है जी, मैं कुछ बोलूं टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ये कि मेरे जो भी मेरी नाकिद है जैसी भी है, जजेस का मैं माजरा चाहता हूं, रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, जजेस का फैसला तो चैलेंज नहीं हो सकता, मैं माजरा चाहता हूं, मैंने ये बात कही, जजेस का फैसला चैलेंज, इसमें रुबाब भी, हम गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन सेकंड कर रहे हैं, लेकिन लेकिन अब आपकी मर्जी। नहीं देखिए, ये एक अदालत से एक बड़ी अदालत होती है, चैलेंज हो सकता है, तो वो जो फैसला उनकी अदालत से मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ ला रहा हूँ। मैं इस अदालत का हिस्सा नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। जजेस जो समझते हैं बस वो करें, अगर ये जजेस का फाइनल हतमी फैसला है तो फिर यही हतमी फैसला है, यही है। सर भाई, मेरे हिसाब से ये फैसला सही नहीं है, बहरहाल मैंने फिर भी दिल पे पत्थर रख के ये फैसला किया। आपके हिसाब से क्या फैसला होना चाहिए? मेरे हिसाब से सिर्फ इनमें से एक कंटेस्टेंट को आगे जाना चाहिए, और वो है अरसलान। मैं बायस नहीं हूँ, मतलब आपकी राय लेके ही सब हुआ नहीं ना? देखें बात ये राय इससे ज्यादा मैंने कंफ्यूज पैनल नहीं देखा। डिवीजन का फायदा उठाते हुए अब हम ये राय देंगे कि इन तीनों की जगह वो तीनों आगे जाए, इसीलिए मैंने पहले कह दिया था। मेरे सबसे मैंने पहले कहा, मुझे ब्रेक लेना है, अब ये कंफ्यूज हो चुके हैं हजरात, अब तीनों को आगे भेज दीजिए। मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद गुजारिश करते हैं।
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله اچھا جی اب اس سے پہلے کہ ہم کہیں اور جائیں میں نے ایکچولی یہ سوچا ہے اور یہ ججز سے مشورہ کرنے کے بعد سوچا ہے کہ سونیا کو آگے جانا چاہیے بالکل ضرور جانا چاہیے میں اپنا وائلڈ کارڈ استعمال کر رہا ہوں اور سونیا آپ آگے جا رہی ہیں بیکاز مجھے لگا کہ آپ کو جانا چاہیے میں نے ججز سے کہا ججز نے بھی یہ بات مانی ہے تو آئی تھنک آئی ریئلی اپریشیٹ آل دا ججز تینوں کا بہت شکریہ حسان کا ویس کا سلمان کا کہ انہوں نے یہ بات رکھی ہے اور آپ آگے جا رہی ہیں مجھے نہیں پتہ آپ ٹی وی دیکھ رہی ہیں یا نہیں دیکھ رہی ہیں اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو براہ کرم تیاری کیجئے اگلے مرحلے کی کیونکہ اگلا مرحلہ بہت ٹف ہوگا مجھے ایسے لگا جیسے یہ فیر ہے کہ اگر دوسروں کو ہم یہ مواقع دے رہے ہیں تو آپ کو بھی یہ موقع ملنا چاہیے تو آئی ہوپ اینڈ پرے کہ آپ یہ دیکھ رہی ہوں گی اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے لیکن میری ریکویسٹ ان تینوں کنٹیسٹنٹ سے یہی ہے کہ اب اگلے والے جو مرحلے میں آپ جائیں گے تو مقابلہ بہت ٹف ہوگا
कलाम का इंतखाब दुरुस्त कीजिएगा, तलफ्फुज पे गौर कीजिएगा और अपने उतार चढ़ाव को मद्देनजर रखिएगा। लेकिन कंग्रेचुलेशंस हमारी तरफ से मुबारकबाद, जजेस की तरफ से मुबारकबाद। सोनिया, आप अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करती हैं। ऑल राइट जी, थैंक यू। अच्छा, माइक आपके पास आ गया, चारों के पास। इससे पहले कि हम आपकी तरफ आएँ, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लिप्टन का, ख़ास तौर पर। थैंक यू वेरी मच हमारी सहर और रफ्तार के अंदर लिप्टन चाय, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रीज़न बड़ा सिंपल है, चाय की रंग, चाय का जायका अमेजिंग है और सहर और रफ्तार इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। ये जार ऑफ जॉय है, इनडीड इट इज़ द जार ऑफ जॉय। थैंक यू सो वेरी मच लिप्टन, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने ऑडियो और वीडियो पैगाम हमें बजरिया व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03128898272। वंस अगैन 03128898272। बड़ी सिंपल बात है, अगर कोई क्वेश्चन है आपका जो आप उलमा से करना चाहते हैं तो उस इस नंबर पे आप हमको मैसेज कर दीजिए, हम उलमा से आपके बिहाफ पे आपके नाम के साथ हम उलमा से ये सवाल कर लेंगे। दूसरी बात, अगर आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। अब जो नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल कर लीजिएगा, रजिस्टर करवाइए अपने आप को। 2 बजे हमारी ट्रांसमिशन अफ्तार की शुरू होती है जहां ऑडियंसेस होते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप 2 बजे तक आ जाएं। बस इतनी बात याद रखिएगा कि अगर आप 2 बजे के बाद आते हैं तो कभी कभी सीट्स बड़ी लिमिटेड हो जाती हैं, तो उसका मसला होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि इस नंबर पर आप रब्ता करके अपने पासेस को आज ही रिजर्व कर लें। और एक और बात, हमारे पासेस के कोई पैसे नहीं हैं, ये फ्री पासेस हैं। अगर कोई शख्स आपको हमारी तरफ से या कहीं और से ये मतालबा करता है आपसे कि जी उसे पैसे चाहिए इस बात के, तो उसका प्लीज़ आप हमें बताइए, हम देखेंगे कि बिकॉज ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं कि कुछ लोग शायद पैसे देके ये पासेस दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, इसके अंदर आप आ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमारे पास प्लॉट्स हैं जो हम आपको देने जाएंगे 27 रमज़ान मुबारक को। कुरानदाज़ी यही होगी, जब आप यहाँ तशरीफ़ लाते हैं तो एक टिकट के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा आपको दे देते हैं हम जो आपके पास रहेगा 27 रमज़ान मुबारक तक, और इसके बाद हम यहाँ पर कुरानदाज़ी करेंगे और जिसका भी निकल आया उसको हम वो प्लॉट देने जाएंगे। हो सकता है कि आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा भी बने और 27 रमज़ान मुबारक को घर बनाने के लिए आपके पास आपकी ज़मीन आपको मिल जाए। ये गुलमोहर ग्रीन्स की जानिब से, गुलमोहर सोसाइटी की जानिब से ये प्लॉट्स आपको दिए जा रहे हैं। तो थैंक यू गुलमोहर, बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। साथ साथ कुछ उम्र के टिकट्स होंगे जो हम आपको देने जाएंगे, तो उसके लिए भी आप सबको यहाँ आना पड़ेगा और उस टिकट को संभाल के रखना पड़ेगा जो आपको दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए। हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, रमज़ान में बोल हमारी ट्रांसमिशन का नाम है। थैंक यू सो वेरी मच, मैं आप लोगों की तरफ जाता हूँ, एक नाते रसूल मकबूल है, उसी से हम इजाज़त चाहेंगे।